हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम व्लॉग करने वाले हैं, वेडिंग व्लॉग। यूहू, ये हमारा व्लॉग नंबर 2 होगा। सो ये हमारा व्लॉग नंबर 2 होगा एंड अब देखते हैं कि आज का व्लॉग कैसा होता है। आप लोग को मेरा पहले वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा था, थैंक यू सो मच। सो आई होप आप लोग को मेरा दूसरा व्लॉग भी अच्छा लगे। एंड चले, अभी तो शाम हो रही है, अब मिलते हैं हम रात को। बाय। एंड तैयार होंगे, शादी में जाएंगे, फिर वहाँ का व्यू दिखाएंगे आपको, कैसी शादी है, क्या है, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे नहीं पता कि शादी कैसी होगी, पर देखते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। बाय, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड गाइस सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। वेट नहीं हो रहा मुझसे रात तक का, मुझे व्लॉग करना है। सो गाइस, अभी काफी टाइम है, अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है मुझे व्लॉग करने की, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी किया नहीं। एक्चुअली मुझे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने का भी इतना ज्यादा कोई खास शौक नहीं है। बस ये कि हाँ चलो एक आध ले ली तो ले ली, वरना तो ना ईद पे, ना रमजान में, ना बकरीद पे, मतलब कभी पिक्चर्स नहीं लेती मैं। स्पेशल डेज या ओकेजन्स पे मैं बिल्कुल नहीं लेती। और मैं जब लोगों को देखती हूँ कि यार इतनी इतनी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा होता है कि मैं क्यों नहीं करती, बट मुझे ध्यान में ही नहीं आता, फिर टाइम भी निकल जाता है। और पहले मैं बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक करती थी, बट अब फिर मेरा शौक खत्म हो गया। मेरे साथ यही होता है, एकदम से कोई चीज़ इतनी ज़्यादा दिमाग में आ जाती है और उसके बाद फिर उतर जाती है। सो चलो, तब तक मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत शोर भी होता है। आप लोग को जब लगता होगा पीछे से बहुत शोर आ रहा है किसी चीज़ का, तो वो मेरे बच्चे ही शोर कर रहे होते हैं, तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ तब तक। आई होप आप लोग को मेरी तरह मेरे बच्चे भी पसंद आए। मीट गुज्जू। गुज्जू मीन्स गुजराती छोकरा। ये गुज्जू है, ये गुनगुन है, ये मेरी गुड्डी है, प्यारी है मेरी मुन्नी गुज्जी। तो अभी ये थोड़ा सा जब से अपनी माँ वाले कैरेक्टर में घुसी है, ये बहुत ज़्यादा ना मतलबी किस्म की हो गई है, क्योंकि हमने इसको बोला कि ये तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हें इनको अच्छे से रखना है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो मैं आप लोग को बताऊँगी। और बस फिर जब ये कैरेक्टर में घुसी तो ये हमसे भी कट गई है। ये मेरी बेटी है, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इसकी माँ और उनकी नानी हूँ। सो फनी, वाई। सो आई होप आप लोग को मेरे बच्चे पसंद आए होंगे। क्या हुआ, नहीं देखा, ये करती है मेरे साथ, भाग गई। एंड ये इसके बच्चे हैं, आई होप आप लोग को पसंद आए हों। और ये मेरे बिल्कुल हाथ नहीं आते, सी तेज कंची आँखों वाला, ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, बहुत प्यारा से गुड्डा सा। तो आप लोग मिले मेरे बच्चों से, यानी काफ़ी अजीब था आई नो। सो अभी भी 6 ही बज रहे हैं, चलो कोई नहीं, गुजर जाएगा टाइम। अभी वैसे भी मुझे कुछ काम करने हैं घर के, ऑब्वियसली सिर्फ मैं शादी में जा रही हूँ, घर से और कोई नहीं जाना, तो मुझे सबके लिए कुछ बनाना है। तो क्या है, मुझे भी लो फिर से व्लॉग में, वेट नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अब तब तक टाइम निकल जाएगा एंड फिर मैं रेडी होंगी और उसके बाद फिर हम जाएंगे शादी में। तो अभी कुछ मैं कह नहीं सकती कि मैं रेडी होते टाइम व्लॉग करूँगी या नहीं, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। एंड फिर भाई लोग कहते जल्दी करो जल्दी करो, तो भी एक पता है इशू। तो हो सकता है मैं शादी में जाकर ही करूँ या उससे पहले भी कर लूँ रेडी होते टाइम। तो आई होप आप लोग को आज का मेरा व्लॉग पसंद आएगी, तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। बाय। सो गाइस, माय मेकअप इज डन, बट इतना गंदा आ रहा है ना ये इस वक्त, मतलब कैमरा स्टार्ट करो तो ठीक होता है, बट जब वीडियो स्टार्ट होती है ना रिकॉर्डिंग, तो इतना अजीब हो जाता है, इतना मसला है ना ये एंड्रॉयड फ़ोन का। हाँ, सो जितना दिख रहा है मैं दिखा रही हूँ, सो एज यू कैन सी।
तो मैंने मेकअप अपना कर लिया है. पिंक लिपस्टिक जो कि मैंने शाम में लगाई हुई थी, मैं वही लिपस्टिक लगाती हूँ. मुझे वो अच्छी भी लगती है और मुझे लगता है कि वही कलर मुझे लगाना है चाहिए. सो पिंक लिपस्टिक, मस्कारा एंड लाइनर. लाइनर मैं फुल नहीं लगाती, मतलब मैं हाफ लगाती हूँ, जस्ट यहाँ से एंड यहाँ एंड तक बस. सो लाइनर, लाइनर, मस्कारा, लिपस्टिक, ब्लश एंड हाइलाइटर. नहीं ओ सॉरी, ये मेरा नेचुरल ग्लो है. हाँ ये मेरा नेचुरल ग्लो है, मैं कोई हाइलाइटर वगैरह नहीं लगाती. सो हुदा ब्यूटी का तो बिल्कुल नहीं है ये. तो खैर मैं अपना एक मेकअप दिन में भी करूंगी, बट इस वक्त पता है मेकअप ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट लाइट की वजह से इतना गंदा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैंने कोई मेकअप नहीं किया. खैर गाइस पता है क्या मुझे लग रहा है, मेरे साथ बड़ा खराब सीन ये होने वाला है. मेरी मम्मा एंड भाई गया हुआ है काम से नाजरा ऑफिस, एंड उनका नंबर मिला है उनको 700 and something, और अभी पता नहीं कितना चल रहा है. और मेरी मम्मा की अभी कॉल आई थी कि बेटा अभी मैं बाहर वहाँ पे हूँ नादरा में, एंड हम लोग को इतना इतना नंबर मिला है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना कि अगर हम लोग का जल्दी नंबर आ गया तो हम जल्दी घर आ जाएंगे, देन भाई आपको छोड़ देगा, और अगर हम लेट हो गए तो उसके लिए सॉरी. मुझे लग रहा है ये लोग लेट होने वाले हैं और मेरा पूरा लॉक की ना लगने वाली है सही की, और मुझे बहुत गुस्सा आने वाला है. मेरी मम्मा ने कॉल करके मुझे ये बोला था कि बेटा मैं सुबह की बहुत थकी हुई हूँ एंड अभी यहाँ का ये मसला सॉल्व करवा के, मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया था कि अगर मैं यहाँ से मसला सॉल्व करवा के आऊँ तो आप घर पे ना बैठी हुई हो मेरे लिए, और अगर मैं लेट हो गई ना, मतलब लेट तो चलो चलता है, लेकिन अगर मैं नहीं गई ना मुझे पता है मैं क्या हंगामा करने वाली हूँ फिर. सो मुझे लग रहा है मेरे व्लॉग की पूरी सही की होने वाली है, मुझे अब तक नहीं आई है. सो गाइस इट्स 11:30 PM और मैं शादी में आ गई हूँ, फाइनली आई एम हियर. एंड इतना अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पर क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे दिख नहीं रही है और सब लोग दिख रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है. सो और मुझे मेरी फ्रेंड ही नहीं दिख रही एंड मैं बिल्कुल एंड में आकर बैठी हुई हूँ. सी तो गाइस घर में कोई हंगामा नहीं हुआ, हाँ तो गाइस घर में कोई हंगामा नहीं हुआ क्योंकि मैं शादी में आ गई एंड सबको टाइम लगा शिट लाइट्स क्यों ऑफ हो रही हैं, व्हाट द हेल, ये बड़ी मुसीबत होती है वहाँ की लाइट चल रही है. सी व्हाट द हेल, डिस्को लाइट्स की वजह से यहाँ की लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो अभी थोड़ी देर में ऑन होंगी तो हम थोड़ी देर में ब्लॉक करेंगे फिर, और पता नहीं है क्यों ऑफ कर दिया. गाइस जैसे मैंने बताया था बहुत पर्दे वाले लोग हैं तो यहाँ पे पार्टीशंस हैं और अच्छी बात भी है, कंफर्टेबल रहता है बंदा. और लेकिन यहाँ की जो लेडीज़ हैं कोई एक बिना बाइक के या फिर बिना नकाब के नहीं दिखी, सब ने सब जब एंटर हुई ना सबके नकाब और अबाया था और फिर सबने यहाँ आकर उतारा. गाइस सीरियसली मैंने वैसे तो लोगों को अबाया और नकाब करते हुए देखा लेकिन ये नहीं देखा कि ख़ानदान में भी हाँ किसी के होता है किसी के नहीं होता, बट जिनके होता है उनको भी मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, मतलब स्ट्रिक्टनेस ही कहेंगे, अच्छी बातें करना चाहेंगे लेकिन इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा जितना मैंने यहाँ देखा.
I'm impressed, guys. I'm impressed. Any dose bhi to hai na kaab and parda karti hai. So, lekin itna zyada maine apni life mein first time dekha hai. Aur main yahan aayi hu aise hi dupatta lekar. So, aur sab mujhe kaafi aise dekh rahe the. Ye kaun hai jo is tarah se aa gayi? Kyunki yahan pe koi bhi अब आया और नकाब के बगैर नहीं आया. सिर्फ मैं वहीं रहती हूँ जो यहाँ इसी तरह से आई हूँ ऐसे ही. बट देखकर अच्छा लगा ना, ऐसे लगा कि यार शादी में तो ऐसे ही आ जाते. बट खैर अच्छी बातें करना चाहिए, इंसान सेफ रहता है. सेफ्टी सेफ्टी गाइस. आज का ये मेरा ब्लॉग ना बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि पहले मैंने मुंह बनाया इतना, मैं वेट कर रही थी रात का. देन रात हुई, फिर एक नया सीन कि मैं शादी में जाऊंगी तो कैसे जाऊंगी, कोई छोड़ने वाला नहीं है एंड मम्मा लोग को लेट हो जाएगा. बट वो लोग आ गए एंड मैं रेडी बैठी हुई थी, ये प्लस पॉइंट था. तो बस मेरे भाई ने जल्दी से मुझे आधे छोड़ दिया, सो मैं आ गई. और तो आज का ये ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो आप लोग पूरा मेरा ब्लॉग देखिएगा, ऐसे स्किप मत करिएगा या फिर आधे में ही मत छोड़िएगा, मेरा फुल ब्लॉग देखिएगा. ओके, सो आई नो काफ़ी बड़ा ब्लॉग है बट इट्स ओके. मैं आप लोगों को एंटरटेन कर रही हूँ, मैं आप लोगों को मतलब एक ही बात रिपीट नहीं की मैंने, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग वीडियोस बनी है, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया बट इट्स ओके. गाइस मैं थोड़ा पीछे एंड अकेले ऐसे बैठी हुई हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं किसी कॉर्नर में जाकर बैठ जाऊँ. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इतने लोग भी आ गए, तो मैं जा रही हूँ वहाँ कॉर्नर में. लेट्स गो गाइस. एंड काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ ऐसे घूम रही हूँ जैसे मेरे किसी रिश्तेदार की शादी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. मैं यहाँ ब्लॉग कर रही हूँ, सो काफ़ी लोग मुझे अजीब तरह से भी देख रहे हैं. तो हम यहाँ बैठ जाते हैं कॉर्नर में बिल्कुल अकेले, ब्लॉग कर रहे हैं. सो काफ़ी लोग मुझे अजीब तरह से भी देख रहे हैं बट इट्स ओके. हम लोग अब बिल्कुल अकेले कॉर्नर में आकर बैठ गए, सुकून, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई जाने वाला नहीं. आओ अब मेरी दोस्त नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ होगी, उसको भी ढूंढना है. यहाँ पर भी मेरा मेकअप ठीक नहीं दिख रहा बट मैंने अच्छा किया भाई. लुक गुड, लुक प्रीटी. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. मैं घर पे भी ये सोच रही थी कि कहीं मुझे मेरी ही नज़र ना लग जाए. आज मैंने इतना अच्छा है, सामने पानी दिया, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी. अच्छी जगह आके बैठ गई मतलब मैं, सो बट मैं पी नहीं सकती क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है, दैट्स व्हाई. एंड बच्ची मुझे देख रही है अब. ओके गाइस, सो अब बाय, बाद में बात करें. हेलो व्यूअर्स, तो अभी एक बज रहा है और अभी मैं घर आ गई हूँ. एंड गेस व्हाट, मुझे वहाँ दो बहुत क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ मिली एंड उन्होंने मुझे बोला आकर कि आप YouTube पर वीडियोस बनाती हो. और मैं इतनी खुश कि ओ शिट, मतलब इन लोग, मतलब ये लोग मुझे देखती हैं. एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने मुझे बोला आप अपना, मतलब हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, अब हम आपको सब्सक्राइब भी करेंगे. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई. एंड फिर वो थोड़ी देर बाद आई और उन्होंने मुझे टडा ये फ्लावर्स दिए, इतने प्रीटी. दोनों ने एक एक फ्लावर दिया मुझे एंड मैं इतनी खुश, मैंने कहा थैंक यू सो मच गाइस. एंड बाद में मैंने उनको ढूंढा पर वो मुझे मिली ही नहीं, बट मैं उनको मिलकर उनके साथ सेल्फीज लेती, वीडियो बनाती. बट थैंक यू सो मच क्यूटीज, आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं एंड थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी. एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छी लगी है. एंड इन फ्लावर्स ने मेरा दिन बना दिया, मतलब मेरा शादी में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहा. और
इनकी वजह से मैं बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे. थैंक यू सो मच गर्ल्स. अगर आप लोग कभी ये वीडियो देखो तो थैंक यू सो मच एंड बाय. थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब माई चैनल.